हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आरसे एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टेंस का टॉपिक अपना चल रहा था। जो कल हमने पढ़ा, टेंस के अलग अलग भाग पढ़े, तीन भाग होते थे, चार भागों में उनके प्रत्येक टेंस को बांटा गया था। उसके बाद हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैंने आपको पहचान समझा दी थी कल वाले वीडियो के अंदर। आज जो अपना वीडियो चलेगा उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान के अलावा उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, अब उसकी पहचान तो हम हिंदी वाक्य को तो पहचान गई, लेकिन उसकी अंग्रेजी बनाना, अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है कि वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी उस वाक्य में, तो ये सभी चीज़ें सीखने के लिए, ये सभी याद करने के लिए मैं आपको इनके अलग अलग रूल्स, इनके अलग अलग नियम आपको मैं समझाता हूँ, बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले तो कल हमने उसकी पहचान पढ़ी थी, वह हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। इनमें से यदि कोई भी शब्द आता हो तो वह वाक्य होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा था कल, वह आम खाता है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है आ रहा है, तो हम समझ गए कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। इसके अंग्रेजी बनाएंगे, वाक्य को देखा कि इसके अंदर ये पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके अंग्रेजी बनाएंगे। तो वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना होता है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, और कर्ता को यदि डेफिनेट किया जाए तो उसकी परिभाषा होती है जो काम को करने वाला होता है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, क्रिया कौन सी, खाने की, ये खाने का काम कर कौन रहा है, वह, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वह, क्रिया क्या हो गई, खाता है, बच क्या गया, ऑब्जेक्ट, ये कौन बच गया, आम बच गया। ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, वाक्य की हिंदी से अंग्रेजी बनाने में हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब, रूल नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब चलती हैं डू या डज, कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, दो हेल्पिंग वर्ब चलती हैं प्रेजेंट सिंपल में, एक डू और दूसरी डज। ठीक है, रूल नंबर दो, अब हमारे को इतना तो पता लग गया कि दो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि हेल्पिंग वर्ब डू कहाँ लगेगी और डज कहाँ लगेगी, दोनों को एक साथ लगा नहीं सकते हम कि ले दोनों को एक साथ डू या डज लिख दिया वहां पर, नहीं, हेल्पिंग वर्ब एक लगेगी, या तो डू लगा दो या फिर डज, अब वो हम मर्जी से नहीं लगा सकते, उसके लिए रूल होता है। ठीक है, दूसरे रूल के अंदर पढ़ेंगे, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ तो किसका यूज होता है, डज का, किसका यूज होगा, डज का, अर्थात कर्ता जब एकवचन होता है, कर्ता एकवचन होता है तब तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज किया जाएगा, और जब कर्ता बहुवचन होता है तब हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे रूल में पढ़ेंगे बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन, इन सबको कहते हैं कौन से कर्ता, बहुवचन कर्ता। एकवचन कर्ता में ही से इट तथा कोई भी एक नाम आए वो तो किस में आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में, एकवचन कर्ता में, वहां तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल में, डज का यूज, ध्यान रखना ये, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन, अर्थात बहुवचन कर्ता होते हैं ये सभी, इनमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में क्या लगेगी, इनके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। आगे बात समझ में, हेल्पिंग वर्ब, देखो कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस होता है जब उसकी हम सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं जब उनकी हिंदी से अंग्रेजी हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी जब हम उनकी बनाते हैं तो सर्वप्रथम तो
सबसे पहले तो सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम वाक्य में ढूंढ लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट होता है कर्ता और कर्ता होता है काम को करने वाला। हमारे को वाक्य में मिल जाएगा किस वाक्य में काम को करने वाला कौन है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वाक्य में किसकी आवश्यकता होती है? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमने ढूंढ ली, पता कर लिया, डू या डज होती है दो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद चलती है क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिसको कहते हैं, जो वाक्य में लिखी रहती है हिंदी वाक्य में। अब जब हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो क्रिया भी ढूंढ लेंगे कि वो कर्ता क्रिया कौन सी कर रहा है, काम क्या कर रहा है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है। ये सभी चीजें आपको वाक्य में मिल जाएंगी। और मेन वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, क्रिया से जो रिलेटेड होता है, अर्थात कौन सा कर्म किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, वो काम ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जो कि वर्ब से रिलेटेड, क्रिया से जुड़ा हुआ होता है। जब ये सभी चीजें आपको मिल जाएं, तो इसकी वर्ड पावर अर्थात डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको स्पेलिंग याद करनी होगी। ठीक है, तो डू या डज, हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अब मेन वर्ब कौन सी चलती है? हेल्पिंग वर्ब मिल गई, मेन वर्ब कौन सी चलती है? प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अच्छा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, हम हिंदी से अंग्रेजी बना देंगे, वह आम खाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, और वो प्रॉब्लम कौन सी होगी, कौन सी प्रॉब्लम होगी डियर स्टूडेंट्स? प्रेजेंट सिंपल का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो पॉजिटिव होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगती है। उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बजाय सीधी क्या लगती है? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब चलती है। और मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ये दो चीजें चलती है प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, दोनों का एक साथ कर नहीं सकते, दोनों का अलग अलग प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अलग प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का अलग प्रयोग। कहां कहां होता है? जहां हम डू का प्रयोग करते थे वहां तो कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, जहां हम डज का प्रयोग करते थे वहां कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अर्थात एक वचन कर्ताओं के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक वचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यह था हेल्पिंग वर्ब का यूज। जो डू डज होती है वो पॉजिटिव में नहीं लगती है, उसमें डायरेक्ट मेन वर्ब लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब हमारे सामने ये चीज़ भी हमारे को समझ में आ गई कि भाई फर्स्ट फॉर्म का कहाँ होगा और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, लेकिन हमारे को अभी तक ये नहीं पता लगा कि सर एस या ई एस का प्रयोग कहाँ होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ एस या ई एस का प्रयोग, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स या डबल जेड हो, उन सब के साथ तो क्या लगा देंगे? ई एस। बाकी के जितने भी बच जाती हैं वर्ब और प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस में, यदि वो वर्ब आ रही है और कर्ता एक वचन है, तो उन सब के साथ लगेगा एस का प्रयोग। वर्ब का अंतिम अक्षर ये हो तब तो लगा देना ई एस, बाकी सबके साथ एस का प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है, तो यह था पॉजिटिव सेंटेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पॉजिटिव सेंटेंस हमारा हो गया। पहले आपको मैंने शुरुआत में बता दिया था कि डियर स्टूडेंट्स चार सेंटेंस चलते हैं। कितने सेंटेंस चलते हैं? चार। नंबर दो पर कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर पांचवा होगा क्या? नेगेटिव सेंटेंस में, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको किसका यूज करना होगा? नोट का यूज करना होगा। स्ट्रक्चर वही रहेगा,
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव है, इसलिए किसका यूज कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसका यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, नोट का यूज कर देंगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, और नोट के बाद फिर क्या लग जाएगी, मेन वर्ब लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। कुछ नहीं करना, पूरा वो का वो स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिव का होता है उसी तरीके से नेगेटिव का होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, नोट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। नोट लगा देंगे, नोट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। नंबर नेक्स्ट रूल, छठा रूल, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर तीन पर कौन सा आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, एक तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, एक तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना बहुत जरूरी है इंटरोगेटिव में। दूसरा, अब इसकी मेन प्रक्रिया क्या होती है, इंटरोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर वही होता है, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, मेन वर्ब भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए। अब रखना कहाँ कहाँ पर है इंटरोगेटिव में, ये चीज़ सीखनी है आपको, ठीक है। क्या करना होगा इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट से पहले तो क्या लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब। कहाँ लगानी होगी, सब्जेक्ट से पहले, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगानी होगी आपको, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपको क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगाना होगा आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है प्रेजेंट सिंपल में, रूल में पढ़ा था हमने, वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म चलती है, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वाक्य में हो तो लिख देना, वरना क्वेश्चन मार्क लगाना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होगा। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं नंबर सातवां रूल, एक अंतिम सेंटेंस हमारा बच गया, कौन सा, इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। इसकी क्या प्रक्रिया होगी, कोई ज़्यादा हार्ड प्रक्रिया नहीं है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया है। क्या है प्रक्रिया, सर्वप्रथम वही इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रक्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब क्योंकि इंटरोगेटिव है, ये स्ट्रक्चर तो पूरा ये रहेगा सेम इंटरोगेटिव वाला, बस एक नेगेटिव जुड़ गया, इसलिए नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, और नकारात्मक का मतलब नोट, नोट का यूज करेंगे। अब नोट का यूज कहाँ करेंगे, ये चीज सीखने वाली है। वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नोट लगा नहीं सकते, और लगाएंगे तो टैग बनाकर लगाना होगा, जैसे डोंट, डजंट, इस तरीके से लिखना होगा अपोस्टेट लगाकर। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ क्या लगाना होगा, नोट लगाना होगा, नोट के बाद क्या लगानी होगी, मेन वर्ब लगानी होगी। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये किसका हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसके रूल थे, दोबारा आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये आए। रूल नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में डू या डज हेल्पिंग वर्ब चलती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद दोनों हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज की जाती है, कर्ता एकवचन ही सीट तथा सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग होता है, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन अर्थात कर्ता बहुवचन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज किया जाएगा, नोट का यूज किया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा।
इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तथा सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगती हैं, उसमें डायरेक्ट मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का ही प्रयोग किया जाता है। कर्ता एकवचन हो तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग करेंगे और कर्ता बहुवचन हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसके रूल थे। अब पढ़ेंगे इसके हर अलग अलग सेंटेंस, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर और इसके अलग अलग एग्जाम्पल। तो सभी सेंटेंस हम अलग अलग पढ़ेंगे, पहले पॉजिटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटरगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स पहले टेंस को पढ़ने में शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप स्वतः ही सीखते हुए चले जाओगे, ठीक है, धीरे धीरे खुद ही सीखते हुए आप चलोगे। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस नंबर एक पर। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने रूल में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह आम खाता है, ये वाक्य लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, चार शब्दों का सेंटेंस है। इस वाक्य को जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले हिंदी वाक्य की पहचान देखेंगे कि वाक्य के लास्ट में क्या लगा हुआ, ताहे आ रहा है, हम समझ गए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। ताहे आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। अब इसके अंग्रेजी बनाएंगे तो हमने ये देखा ये कौन सा सेंटेंस है, देखा ये पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता काम को करने वाला कौन है, वह है। वह की अंग्रेजी ही या सी दो होती हैं, लेकिन पुल्लिंग के लिए ही का और स्त्रीलिंग के लिए सी का यूज होता है ही। उसके बाद मेन वर्ब, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। वर्ब क्या है यहाँ पर, क्रिया कौन सी हो रही है, खाने की, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, भाई कर्ता एक वचन है तो एस या एस साथ में लगेगा, खाने की ईट, इसके साथ क्या लगा देंगे एस, ईट्स। ऑब्जेक्ट क्या बच गया, आम, आम की क्या होती है, मैंगो। तो इस तरीके से एक पॉजिटिव सेंटेंस था जिसकी हम हिंदी से अंग्रेजी बना ली। बाकी का इसी तरीके से सभी पॉजिटिव सेंटेंस की हम हिंदी से अंग्रेजी बना लेंगे। उसके बाद आपका अगला चलेगा नेगेटिव सेंटेंस, जो कि आपको अगली क्लास में समझाया जाएगा।